उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की हार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ हार की समीक्षा करने की बात कहते दिखे, पर उनको गुरु मानने वाले पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता ने हार से आहत होकर समाधि ले ली। स्थानीय लोगों की माने तो बीते 16 वर्षों से कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला अरुण बीजेपी का सक्रिय समर्पित कार्यकर्ता रहा। संगठन के कामकाज में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। गोरखपुर में हुए चुनाव प्रचार के दौरान उसने बीजेपी प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट मांगा था, लेकिन परिणाम से उसे जोर का झटका लगा। लोगों का कहना है कि अरुण योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु मानता है। योगी मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो गोरखपुर मठ जाकर नियमित तौर पर उनसे मिलता और उनका आशीर्वाद लेता था। नतीजों के बाद जब विरोधी खेमा जीत का जश्न मना रहा था तो उसने खाना पीना छोड़कर समाधि लेने की घोषणा कर दी। अरुण शुक्रवार को गंगा के किनारे गया और गड्ढा खोदकर खुद को बालू से ढक लिया। उसने बताया कि गोरखपुर की सीट मेरे गुरुजी की रही है, यह सीट हाथ से फिसल जाने से मैं बहुत आहत हूँ, इसी वजह से मैंने समाधि लेने का फैसला किया था। गांव में जब अरुण के समाधि लेने की जानकारी हुई तो सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों के काफी समझाने के बाद 7 घंटे की समाधि में लीन रहने के बाद अरुण बाहर निकला। पार्टी को लेकर उसकी इस दीवानगी की हर तरफ चर्चा हो रही है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।